ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम ऐसी 5 चीजें डिस्कस करेंगे मनी रिलेटेड जो आपका दिमाग खोल के रख देगी। इफ ये वीडियो आपने जरा सा भी मिस किया देन यू विल रिग्रेट। और ये 5 चीजें आप कहीं पर लिख कर रख देना बिकॉज दिस आर द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी रिलेटेड लॉस। ये 5 चीजें आपको हमेशा फॉलो करनी है या फिर याद तो रखनी ही है। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताऊंगा जिससे आपका कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। तो मेक श्योर टू वॉच। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, हाउ मनी इज मेड। बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, बट इसके पहले हम थोड़ी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। देखो, पैसों का इन्वेंशन इसलिए हुआ था ताकि सब इक्वल वैल्यू एक्सचेंज कर सके, क्योंकि जब पैसे थे ही नहीं तो लोग कुछ भी एक्सचेंज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 किलो आटा चाहिए और मेरे पास सिर्फ एक घोड़ा हो तो मुझे वो घोड़ा एक्सचेंज करना पड़ता था 1 किलो आटे के लिए। बट यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिख गई कि घोड़े की वैल्यू ऑफकोर्स ज्यादा है 1 किलो आटे से। तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे बनाए गए। स्टार्टिंग में लोग गोल्ड यूज करते थे, देन धीरे धीरे गोल्ड की रिसिप्ट यूज करने लगे। इफ मान लो मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है तो मैं उसके एक्सचेंज में एक रिसीप्ट ले सकता हूँ जिसको फिर मैं लेटर ऑन कभी भी गोल्ड के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह मनी वॉज इन्वेंटेड जस्ट टू एक्सचेंज इक्वल वैल्यू। तो सबसे पहले यू नीड समथिंग ऑफ वैल्यू दैट कैन बी एक्सचेंज। तुम्हारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके लोग पैसे देने को तैयार हो। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है या फिर कुछ अच्छी सर्विस है जो लोगों को वर्थ लगे। मेकिंग मनी इज सिंपल, आपको बस कुछ इक्वल वैल्यू देना है, दैट्स ऑल। अब आप बोलोगे कि मुझे तो ये सब आता है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है बट कोई खरीदता नहीं है। ऐसा इसलिए है बिकॉज आपके पास कुछ यूएसपी नहीं है, मतलब आपके पास कुछ यूनिक नहीं है। आप जो सेल कर रहे हो वो और 1000 लोग भी सेल कर रहे हैं। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर दैट नो वन कैन। ऐसा तो आप क्या ऑफर कर सकते हो जो कोई नहीं कर रहा, या फिर आप कैसे उसको बेचोगे वो भी मैटर करता है। तो देखो, सबसे पहले ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स निकालो। फर्स्ट आप ये सोचो कि आपके पास क्या वैल्यू है देने को, देन आप ये सोचो कि आपके पास क्या यूनिक है जो कोई और ऑफर नहीं कर रहा है, एंड एट लास्ट आप ये सोचो कि आप बेचोगे कैसे उसको। एंड जैसे ही आप ये चीजों का आंसर कर लोगे आपके पास एक रफ बिजनेस प्लान होगा। और जैसे ही आपके पास बिजनेस प्लान आ जाए तो ऑफ कोर्स आपको करना है उसको एग्जीक्यूट, और वो भी जल्दी एग्जीक्यूट करना है। हमारा सेकंड पॉइंट है मूविंग विद स्पीड। आप मेरे को बताओ, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके पास या फिर आपके फ्रेंड के पास कुछ बिजनेस आइडिया आया एंड कुछ टाइम बाद आपको कुछ याद भी नहीं होता। इवन मेरे काफी सारे फ्रेंड्स डेली बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं जो एक्चुअली अच्छे होते हैं, बट फिर मैं जब उनको थोड़े टाइम बाद पूछता हूँ कि कहाँ पहुंचा तुम्हारा बिजनेस एंड किसी ने कुछ नहीं किया होता है, देन आई लूज रिस्पेक्ट फॉर देम। और नेक्स्ट टाइम जब वो बिजनेस आइडिया लेके आते हैं तो मैं उनको सीरियसली भी नहीं लेता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे ही तुमको बिजनेस आइडिया आए तो नेक्स्ट डे से उसका एग्जीक्यूशन शुरू करो। एक पेन एंड पेपर लो और स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बनाओ कि पहले दिन ये करेंगे फिर दूसरे दिन ये करेंगे, और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो, वो भी जल्दी। डजंट मैटर आपके पास रिसोर्सेस नहीं हो, इफ यू हैव अ बिजनेस प्लान एंड यू बिलीव इन इट देन यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। आपका ब्रेन आपको 1000 चीजें बोलेगा कि अरे ये स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर ये चीज रिस्की है, या फिर ये चीज के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। बेसिकली तुम्हारा ब्रेन तुमको रोकने की कोशिश करेगा। तुम्हारे ब्रेन को चाहिए कि जो कंफर्ट में तुम हो वहीं पर रहो। बट एज आई सेड, स्पीड चाहिए, क्योंकि इतने करोड़ों लोग हैं दुनिया में, डेली करोड़ों बिजनेस आइडियाज आते हैं, बट आप सोचो कि उसमें से कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ परसेंटेज वो एग्जीक्यूट करते होंगे। आपको वो 1% में जाना है जो एग्जीक्यूट करे। मुझे तुम अभी ही कमेंट करके बताओ कि कौन कौन ये वीडियो के बाद एग्जीक्यूट करेगा या फिर एटलीस्ट एक बिजनेस प्लान बनाएगा, तो मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है स्केल ऑफ द बिजनेस। देखो, जो भी बिजनेस तुम स्टार्ट करो, एक बड़ी मेंटालिटी या फिर एक बड़ा गोल रखना, और आपको आपका बिजनेस बड़े स्केल पर करना है। जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 500 रुपीज, ठीक है, तो मेरा गोल होना चाहिए कि मैं उसके 1000 से 2000 यूनिट सेल करूं, तो ही मुझे एटलीस्ट 5 to 10 lakhs प्रॉफिट मिलेगा। मैंने लोगों को देखा है बिजनेस तो स्टार्ट कर देंगे बट मार्केट को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं ये प्रोडक्ट में, कितने लोग एक्चुअली परचेस कर सकते हैं, और अपना कंपटीशन कौन कौन है। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि आप कितने लेवल पर बिजनेस स्केल कर सकते हो। देखो, इन शॉर्ट बताओ तो आपको बड़ा सोचना है, आपका गोल बड़ा होना चाहिए, और उस हिसाब से अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को प्लान करो। मैंने बहुत से लोगों को बिजनेस शुरू करते देखा है बट वो बिजनेस की स्केलेबिलिटी का सोचते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो कोई एरिया में, देन आपके कस्टमर्स लिमिटेड होंगे वो एरिया के आसपास जो रहते हैं। तो इफ आप ये बड़े स्केल पर करने की सोचो, देन यू विल हैव टू ओपन मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, या फिर आपको फ्रेंचाइजी मॉडल बनाना पड़ेगा। बात को समझे तुम, कुछ भी स्टार्ट करो, बस वो बड़े स्केल पर हो सके ऐसा सोचना। आपके बिजनेस में कोई कस्टमर लिमिटेशंस नहीं आनी चाहिए, जैसे कि वो रेस्टोरेंट के कस्टमर्स लिमिटेड है वो एरिया में, जस्ट लाइक दैट। अब आते हैं नंबर 4 पे, जो कि है डोंट मेक इट ऑप्शनल। मोस्ट ऑफ लोगों के लिए गोल्स ऑप्शनल होते हैं और वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट उनके एक्शन से पता लग ही जाता है। जैसे कि आप किसी को भी अपने आसपास पूछ लो कि उनकी ड्रीम कार क्या है, और आई एम श्योर कि वो आपको कोई सुपर कार बताएंगे। और इवन आप अपने आप को पूछ लो कि आपकी ड्रीम कार क्या है, देन फिर आप ये पूछो कि आपने
रिसेंटली ये वीक में उसके लिए क्या किया है, व्हाई डू यू डिजर्व दैट कार, क्या एक्शंस लिए हैं आपने वो अचीव करने के लिए, एंड इज इट इनफ। सो इफ यू हैव बिग ड्रीम्स देन आपके एक्शंस उसको जस्टिफाई करने चाहिए, बिकॉज ये दुनिया में किसी की ड्रीम कार अल्टो या वैगनर नहीं है, सबकी मर्सिडीज ही है। तो जो लोग सोचते हैं कि मुझे ये कार चाहिए या फिर इतने पैसे चाहिए या फिर कुछ भी सोचते हैं, तो ये सब एक ड्रीम है। और जो लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हैं अपने गोल्स के लिए कि इफ मुझे ये वाली कार चाहिए तो मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, तो वो एक ड्रीम नहीं एक प्लान है। डू नॉट मेक इट अ ड्रीम, मेक इट अ प्लान। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, डजंट मैटर, आप कितने भी प्लान्स बनाओ, एंड रिजल्ट आपको जो चाहिए वही होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो प्लान आपने बनाया है उस पर एक्शंस लो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 5, यूज मनी टू मेक मोर मनी। आपने ये तो सुना ही होगा कि पैसा पैसे को बनाता है। जस्ट लाइक दैट इफ आपका बिजनेस 6 फिगर्स क्रॉस कर जाए देन दैट डजंट मीन कि आप वो उड़ा दो। इवन मेरे मोस्ट ऑफ बिजनेस 6 फिगर्स के ऊपर है, बस एक ये यूट्यूब को छोड़ के, बिकॉज तुम सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं कर रहे फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। तो जो भी पैसा आप बनाओ तो आपको कोशिश करनी है कि उसको मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया या फिर आपने कोई और बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर दिया, डिपेंड करता है कि आपको आपके पैसे से रिस्क कितना लेना है। जैसे कि मान लो मेरे पास 50,000 रुपए ऐसे ही पड़े हो, तो मैं उससे कुछ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला बिजनेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल डे ट्रेडिंग, जिसमें रिवॉर्ड तो ज्यादा है पर रिस्क भी ज्यादा है। तो आपके प्रॉफिट्स का थोड़ा पोर्शन आप हाई रिस्क बिजनेस में डालो एंड थोड़ा पोर्शन लो रिस्क एंड स्टेबल बिजनेस में डालो। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए जो बहुत ही सॉलिड थे, एंड एक और मिसकंसेप्शन आपका मैं दूर कर देता हूँ। मैंने लोगों को हमेशा ये कहते सुना है कि मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, या फिर पैसों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। बट द थिंग इज कि ये सब गलत है। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, और आपको पैसों को लेके ऑब्सेशन होना चाहिए। सुबह उठते ही आपका पहला थॉट होना चाहिए मनी। पूरा दिन आप प्लान करो एंड एक्शंस लो फॉर मनी, एंड सोने से पहले भी आपके माइंड में बस एक ही चीज होनी चाहिए, मनी। मेक इट एन ऑब्सेशन, डू वॉट एवर इट टेक्स। एंड अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कैसे बिजनेस को स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो, या फिर इफ यू वांट गाइडेंस एंड मेंटरशिप कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग, SMMA, फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या फिर एक इन्फ्लुएंसर बनना, बिकॉज ये सारी चीजें करके लोग करोड़ों का बिजनेस बना रहे हैं, ये सब आपको कौन सिखाएगा? आपकी कॉलेज तो सिखाने नहीं वाली। वेल, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, ड्रॉप आउट यूनिवर्सिटी। हमारी ये यूनिवर्सिटी में लाइव क्लासेस होंगे जस्ट लाइक योर कॉलेज, और डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेस जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, SMMA या फिर स्टार्टअप बिल्ड करना, ये सब के कोर्सेज भी होंगे, एंड मेनली आपको लाइव सिखाया जाएगा ये सब। आपके पास आपके मेंटर्स होंगे सब बिजनेस के लिए, और पर्सनल चैट सपोर्ट भी होगा। लाइव क्लासेस में Q&A सेशंस भी होंगे एंड इवन असाइनमेंट्स। आफ्टर जॉइनिंग आवर यूनिवर्सिटी आपके पास सारा नॉलेज प्लस स्किल्स होंगे ये सब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंड हर एक बिजनेस के लिए आपके पास मेंटर्स होंगे, डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स आपके साथ रहेंगे। हमारा करिकुलम या फिर सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है। योर एज डजंट मैटर, योर इनकम डजंट मैटर, द ओनली thing matters is passion. You should have passion for money. If you think you have what it takes, then link is in the description. Abhi start karo. And abhi price bahut hi kam hai jo increase hoga. To join karo and hum start karenge aapki business ki journey. Aur fatafat ye video ko like kar do taki aisi meri aur videos aapke feed mein aati rahe aur aapko knowledge milta rahe, motivation milta rahe. Aapko main aur ek reason deta hu subscribe karne ke liye. I'm the best. See you in the next video.